गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बना रहे हैं मटन सीख कबाब। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। रेसिपी के रिक्वायर्ड सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। सब कुछ बारीक कटा हुआ है। स्पाइसेस यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। मैंने मलाई और क्रीम दोनों यूज़ की है, मिल्क यूज़ किया है साथ में। पहले मैंने मिंस करा है मटन को, आप चाहें तो बाज़ार से कीमा ला सकते हैं। जैसे ही आपका कीमा रेडी हो जाए आप इसे साइड रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक मसाला, जिसके लिए हम पहले लेंगे प्याज। इसमें डालेंगे सारी स्पाइसेस जो मेंशन की गई हैं, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, मलाई या क्रीम जैसा भी आपको सूट करे, और थोड़ा सा सोडा। हम इस मसाले को हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मिक्स करना चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, रेडी हो जाए, इसमें हम कीमा डाल देंगे। कीमा डालने के बाद इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाला और कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर डाला है और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंदा है। कीमा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब आपको इसमें अपने स्वाद अनुसार, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालना है, 2 से 3 चम्मच दूध डालना है, 1 टेबलस्पून केवड़ा डालना है। अगर आपको केवड़े का स्वाद पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद इसे कवर करके क्लिंज रैप से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि मसाला और पूरा मिक्सचर सेटल हो जाए। तो हमारे 5 घंटे पूरे हो गए हैं, मिक्सचर सेटल हो गया है। अब हम इसे सीख पर लगा रहे हैं। कबाब को रोल करने के लिए हल्के हाथों से इसे खींचते चले जाना है। पतले कबाब बनाने हैं, कोशिश कीजिए कि पतले कबाब बने, क्योंकि ये सिकते अच्छे से हैं। जब आपके कबाब रेडी हो जाए तो कुछ इस तरह दिखेगा आपका कबाब। आपको दिखाने के लिए हमने एक कबाब थोड़ा सा रोस्ट किया था और दूसरा अभी जो आपके सामने बनाकर रखा है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए। दोनों कबाब अभी अच्छे से सिकेंगे। हमने इन्हें गैस स्टोव पर अच्छे से सेका है, जब तक ये पूरे तरह से ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्टली बारबेक्यू भी कर सकते हैं कोल के साथ या कोयलों के साथ। हमने इसे गैस स्टोव पर इसलिए रखा है क्योंकि हर किसी के पास बारबेक्यू अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है और ये सबसे बेस्ट तरीका भी है। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आप डेफिनेटली उस पर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कबाब सेकते हुए बटर या फिर घी, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर लगाएं, कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि इसी से आपके कबाब अच्छे से सिकते भी हैं और जूसी कबाब बनते हैं। आप देख सकते हैं कबाब ऑलमोस्ट रेडी हैं, कितने सुंदर हो गए हैं, एकदम बाजार जैसे लग रहे हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इस पे बटर या घी ज़रूर लगाइए और धीमी आंच पर कुक करिए। बीच बीच में आंच बढ़ा सकते हैं अच्छे से कुक करने के लिए। ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। एकदम डिलीशियस टेस्ट लाने के लिए इस पे थोड़ा सा लेमन जूस स्प्रिंकल कीजिए और चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। बस एकदम रेडी है आपके स्नैक सर्दियों में खाने के लिए। किसी भी टाइम खाइए, मस्त मज़ा आ जाएगा। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए अंदर से कितने जूसी और कितने डिलीशियस बने हैं ये। इसे पुदीना चटनी के साथ खाइए और मस्त कबाब का मज़ा लीजिए। ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए। Please subscribe to the channel. Thank you for watching the video.